नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की लंबित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने तीन चरणों में 537 एकड़ 5 कनाल में 13 मरला भूमि पर विकसित की जा रही इस परियोजना के पहले चरण के लिए राज्य सरकार के अनुदान तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HHII DC हैपेंड हरियाणा राज्य भंडारगार निगम इत्यादि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इकट्ठी पूंजी के रूप में निवेश की जाने वाली 400 करोड़ रुपए की राशि भी तुरंत प्रभाव से इस योजना के लिए गठित किए गए स्पेशल पर्पल व्हीकल के लिए उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष राशि फंडिंग केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अनुदान के रूप में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा नीति आयोग से ऋण के रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि HHIIDC ने HSVP की संपत्तियों के लिए भी ऐसे ही पोर्टल आरम्भ किए जाना चाहिए और हर वर्ष संपत्तियों की आरक्षित मूल्य राशि को संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जिस प्रकार भू मालिक अपनी भूमि को बेचने का स्वेच्छा इससे विकल्प चुनते हैं, उसी प्रकार बोर्डों को भी अपनी संपत्ति बेचने के लिए जनता को यह सुविधा देनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर 15 दिन में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की जाए और अगली बैठक में अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एजेंडा पारित करवाकर पूरी तरह के साथ बैठक में आए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर।